तो तुमने ये चीज बहुत ज्यादा सुनी होगी यार, इस कंपनी ने इतने ज्यादा स्टॉक दिए, इस कंपनी ने ये दिया। वेस्टिंग पीरियड को एक चीज होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इतनी सारी जो चीजें होती हैं उन सबके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। एंड काफी सारी कंपनीज का एक शॉर्ट टाइप की 4 साल में कितने ज्यादा ग्रो करे उनके स्टॉक्स, अगर तुमने 3-4 साल पहले कोई कंपनी ज्वाइन करी होती तो आज उन स्टॉक्स की क्या वैल्यू होती, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो बनाई थी पहले, बट उसमें मैंने टैक्स को इंक्लूड नहीं किया था, तो वो थोड़े अननेचुरल से नंबर्स थे। आज वाली वीडियो में हम टैक्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको पहले तो मैरी क्रिसमस, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं 75,000 सब्सक्राइबर्स के, एक और माइलस्टोन हिट कर लेंगे बिफोर 2022, तो उसके लिए तुम्हें बस और लाल वाले बटन को ग्रे करना पड़ेगा एंड लाइक वाले बटन को दबा देना पड़ेगा, तो जल्दी से दबा दो। यार कमेंट्स में जाकर तुम स्टॉक्स ओपी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तर सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म है, उसका नाम है RSUs। RSUs का मतलब होता है यार रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। अब ये क्या होते हैं मतलब, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स ही होते हैं। उसमें रिस्ट्रिक्टेड इसलिए लगा है क्योंकि तुम उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही सेल कर सकते हो। अब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है, वो तुम्हारा वेस्टिंग पीरियड होता है। अब सिंपल शब्दों में कि तुम्हें कंपनी ने जैसे 100 स्टॉक्स दे दिए अपनी कंपनी के जब तुमने ज्वाइन किया, बट उसमें से कुछ परसेंट हर साल तुम्हारे वेस्ट होते हैं, हर साल तुम उनको बेच सकते हो। तुम्हारे पास वो पावर आ जाती है कि यार मेरे पास 25 स्टॉक आ गए हैं, अब मैं 25 स्टॉक को बेच सकता हूँ, ठीक है, तो जो भी पैसे आएंगे वो मेरे हो गए। ये तुम्हारा बेसिक RSUs का मतलब हो गया। एंड इसमें तुम वेस्टिंग पीरियड का मतलब समझ गए होगी, कितने टाइम के बाद तुम अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हो, दैट इज योर वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। अब इसके अलावा यार तुम्हारा इनकम टैक्स जो होता है वो लगता ही है, जितने भी तुम्हें स्टॉक्स मिलेंगे उसके 30% तुम मान लो तुम्हारे चले गए हैं, ठीक है। अगर तुम्हें 10 स्टॉक मिल रहे हैं तो तुम्हें 7 ही तुम्हारे अकाउंट में मिल रहे होंगे, 3 वो काट ही लेते हैं सीधा, ठीक है, ताकि तुम्हें बाद में टैक्स में झंझट ना पड़े। तो ऐसे दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है सुनने के बाद। एंड इसके बाद एक और चीज़ होती है, तुम्हारे शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म्स गेन होते हैं, कैपिटल गेन्स पे लगते हैं कि तुम्हें काफ़ी सारा अमाउंट जैसे स्टॉक्स हो गए या फिर जैसे तुमने घर वगैरह खरीदा, इन सारी चीज़ों पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगते हैं। अब कैपिटल गेन का मतलब है कि जो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा होगा ना उस पर तुम्हारा टैक्स लगेगा। तो ये मोटा मोटा सीन है, ये सारी टर्म्स है जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, हम 4-5 कंपनीज का हम खुद कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर 4 साल पहले मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी होती या तुमने ये कंपनी ज्वाइन करी होती तो क्या सीन रहता, ठीक है। ठीक है, सब स्टॉक्स की वैल्यूज वगैरह जानने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कोडिंग निंजास के बारे में। अब किसी कंपनी में तुम्हें जाना है तो पहले कोडिंग तो सीखनी पड़ेगी ना, तभी तो तुम्हें इन कंपनीज के स्टॉक्स मिलेंगे। तो कोडिंग निंजास को अगर तुम नहीं जानते हो तो कोडिंग निंजास वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब तुम्हें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर तुम्हें कोई भी कोर्स वगैरह लेना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है 20%, तुम वो जाके ले सकते हो उससे, ठीक है। अगर अब यहाँ पे जो तुम्हारे टीचर्स वगैरह हैं वो तुम्हारे स्टैनफर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेजन फेसबुक जैसी कंपनीज में काम किया हुआ है, और जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़िया। मैंने सेकंड ईयर में अपना जो C++ GSA वाला कोर्स था वहीं से किया था, एंड माई एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड, मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ अच्छे से समझ आई। अब यार जब तुम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो तुम डाउट्स वगैरह तुम्हें आते हैं, तुम चीज़ों में अटक जाते हो, क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा होता है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो क्या करते हैं, हिंट वीडियोस हैं यार यहाँ पे, जैसे C++ GSA वाले कोर्स में 200+ हिंट वीडियोस थी, किसी भी क्वेश्चन में अटकते थे या किसी भी चीज़ में अटक रहे होते थे तो हिंट वीडियो देख के वो चीज़ सॉल्व हो जाती थी। फिर भी हो सकता है कि ना समझ आए तो TA सपोर्ट तो है, 1-on-1 तुम्हारे डाउट्स वगैरह रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो 20% ऑफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब बढ़ते हैं हम आगे वीडियो की तरफ, ठीक है। हम बात करेंगे गूगल के स्टॉक्स की वैल्यू, देखते हैं कि 4 साल पहले कितनी थी। यार हमें इसमें ना 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो पहली चीज़ होगी कि रुपए की वैल्यू 4 साल पहले क्या थी, ठीक है, एक ये तुम्हारा पॉइंट कंसिडर करना होगा। दूसरी चीज़ कि उस स्टॉक की वैल्यू 4 साल पहले क्या थी। ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करने के बाद हमारे पास क्या नंबर ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे जो हमें मिल रहे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना होगा, उन नंबर ऑफ स्टॉक्स को अब अभी करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और देखेंगे कितने पैसे बन रहे हैं, और इसमें टैक्स भी काट लेंगे इस बारे अच्छे से। तो अब देखते हैं, इसमें हम 5 ईयर्स पे जाएंगे और हम देखेंगे 27 दिसंबर आज की डेट ही ले लेते हैं, यार दिखा नहीं रहा आज की डेट, बट 29 दिसंबर को एक स्टॉक की वैल्यू थी $1,053.40, ठीक है। हम USD का भी अब देख लेते हैं कि उस टाइम पे USD की वैल्यू कितनी थी, एक जो तुम्हारा डॉलर था वो कितने रुपए में आ जाया करता था। अब तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इट वॉज 63.84 रुपीज़। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो एक गूगल स्टॉक की वैल्यू थी वो थी तुम्हारी 1,053.40, ठीक है यार। पहले इसमें डिवाइड कर देते हैं हमारे $50,000 को, इसको सीधा ही पहले टैक्स ले लेते हैं इसका इनटू 0.7, तो तुम्हारे $35,000 ही तुम्हारे पास आ रहे होंगे। $35,000 को अब हम डिवाइड मार देंगे 1,053. तो दिस कम्स आउट टू बी 33.22,
मतलब 33 स्टॉक्स तुम्हें मिल गए थे उस टाइम पे आफ्टर टैक्सेस। इसकी करंट वैल्यू जो है यार तुम्हारी एक स्टॉक की, दैट इज 2938.33। तो अब इतने हमें स्टॉक्स मिल गए 4 साल के बाद, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2983.33। तो ये तुम्हारे बन गए 97,628.2 समथिंग डॉलर्स, ठीक है। अब करंटली $1 की जो वैल्यू है वो 75.40, तो मल्टीप्लाइड बाय 75.40 उफ, तो ये तुम्हारे हो गए 73,61,100 तो 73 लाख हो गए तुम्हारे टोटल। अब परसेंटेज गेन देख लेते हैं एक बारी। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 22,340 से, तो दिस विल कम आउट टू बी 3.29, मतलब अराउंड तुम्हारे 300% तुम्हारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो तुमने जितने पैसे तुम्हें मिले थे उसे 3 times तो हो ही चुके हैं, और वो भी टैक्स कटने के बाद। तो भाई क्रेजी भाई क्रेजी, ठीक है। इतना तुम्हें कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता किसी और चीज़ में, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं अडोबी के, ठीक है। अडोबी के स्टॉक्स चेक करेंगे, हमें 5 साल पहले चेक करना है, अराउंड सेम ही डेट पे लेते हैं सबके, 29 दिसंबर, 175.24 US डॉलर्स थे, ठीक है। तो तुम्हें 10 लाख रुपीज़ के मिलते हैं यहाँ पे, डॉलर्स में नहीं बताते, रुपीज़ में बताते हैं। तो अगर हम 10 लाख रुपीज़ लें, तो 10 लाख रुपीज़ हम डिवाइड कर देते हैं, उस टाइम जो 1 रुपये की वैल्यू थी दैट वॉज 63.84, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 63.84, ये हमारे पास आ गए इतने डॉलर्स। अब इतने डॉलर्स को हम स्टॉक्स में ले लेते हैं, और उस टाइम एक स्टॉक की वैल्यू थी तुम्हारी 175। अब इसमें हमें डिवाइड कर देना है 175.24 से, तो आ जाएगा 89.38, तुम्हें 89 स्टॉक यूनिट्स मिल गए फॉर 4 years, ठीक है। अब 4 साल के बाद इसका भी टैक्स तो काटेंगे, इसको भी टैक्स इसका काट लेते हैं, 2.7 कर दो इसे, तो टैक्स कटेंगे, तुम्हें ऑलमोस्ट मिल गए 62.57 के स्टॉक्स। तो करंट अभी एक अडोबी के स्टॉक की प्राइस हो रखी है 569.62 USD, तो 569.62, और ये तो अभी ड्रॉप जा रखे बीच में, तो 600 से ऊपर पहुंच गया था ये, तो दिस कम्स आउट टू बी 35,641 तुम्हें US डॉलर्स। अब इसको फिर से कर लेते हैं INR में, इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 75.40, तो तुम्हारा कम्स आउट टू बी 27 लाख रुपीज़, तो 10 लाख के 27 हो गए आफ्टर टैक्सेस। इसमें भी अगर तुम गेन वगैरह चेक करोगे तो अराउंड तुम्हें 200-300% के अराउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मतलब 4 साल में 300% के अराउंड ग्रोथ है इसमें भी। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं सेल्स फोर्स का, ठीक है। सेल्स फोर्स का सेम उधर ही 29 दिसंबर के आसपास प्राइस चेक करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेल्स फोर्स वाले स्टॉक्स पे। अब सेल्स फोर्स वाले स्टॉक की एक की वैल्यू थी 102.23, अब इसमें तुम्हें 15 लाख के स्टॉक्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। 15 लाख के स्टॉक्स मिलते हैं यहाँ पे, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय तुम्हारा कर देते हैं 63.84, तो दिस कम्स आउट टू बी तुम्हारा 23,000, मतलब 23,500 डॉलर्स के आसपास ये आ गया। इसमें अब कर लेते हैं 0.7, तो दिस कम्स आउट टू बी एकदम से भाई वो 30% टैक्स कट इतना कम सा हो जाता है ना, क्या बताएं। तो 16,500 के आसपास आ गया। अब 16,500 इंटू हम कर लेते हैं उस टाइम के स्टॉक की वैल्यू, दैट वॉज 102.23, तो हमारे डॉलर्स हो गए। इस पर डिवाइड कर देते हैं हम अपना 102.23 से, तो ये हमें आ जाएगा अराउंड 161 स्टॉक्स के आसपास तुम्हें मिले हैं। और 161 स्टॉक्स की अब करंट वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 253.14, दिस कम्स आउट टू बी 41,000 US डॉलर्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 75.40 से, तो अराउंड हो गए तुम्हारे 31 लाख रुपए। 15 लाख से 31 लाख, ऑलमोस्ट 2 times हो गए आफ्टर टैक्सेस, तो 200% यहाँ पे भी हो गया एवरेज। अब एक और कंपनी का फाइनल अमेजोन का और चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि 200-300% के आसपास किसी भी चीज़ में तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है, दिस इज़ क्रेजी। मतलब अगर तुम्हें स्टॉक्स वगैरह मिल रहे हैं कंपनीज के, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि बेस सैलरी, भाई बेस सैलरी को तुम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो इतना प्रॉफिट तुम्हें नहीं मिल रहा होगा 4 साल के अंदर। अब 5 साल कर लेते हैं, 5 साल में सेम वहीं पे चलते हैं अपना 29 दिसंबर
ठीक है, 29 दिसंबर को एक स्टॉक की वैल्यू थी 1169.47, पहले हम 10 लाख के स्टॉक्स, 10 लाख के हम डिवाइड कर देते हैं 63.84 से, तो हमारे पास आ गए कुछ $15,000। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.7, तो हमें अराउंड $11,000 मिल गए। $11,000 को हम डिवाइड कर देते हैं एक स्टॉक वैल्यू की प्राइस से, दैट वॉज उस टाइम पे 1169.47। तो तुम्हें मोटे मोटे 9 स्टॉक यूनिट्स मिल रहे होते हैं 4 साल में, जो कि बहुत कम है। बट एक स्टॉक की वैल्यू ही बहुत ज़्यादा है, 1.5-2 लाख रुपए एक स्टॉक की वैल्यू होती है, तो अच्छा ठीक है। अब इसमें हम अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट स्टॉक की वैल्यू 3421.37, तो ये अराउंड आ जाता है $32,000 के अराउंड। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट हमारे INR की वैल्यू, तो दिस कम्स आउट टू बी 24 लाख रुपीस। तो इसमें भी तुम देखोगे तो तुम्हें अराउंड 2.5 टाइम्स का प्रॉफिट हो गया, मतलब 250% के आसपास तुम्हारा यहाँ पे भी गेन हो गया है। तो इससे तुम्हें यार एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि जो एक स्टॉक की वैल्यू है 2 से 3 साल के अंदर वो 200 से 300% बढ़ जाती है, और एवरेज अगर 200 से 300% तुम देख रहे हो तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, इतना तुम्हें कि तुम बेस सैलरी अपनी 4 साल की मिला लोगे ना तो भी इस इतना प्रॉफिट तुम्हारे इतने सेविंग्स नहीं हो रही होंगी जितने तुम्हारे स्टॉक से पैसे बन जाते हैं, और ये भी तुम्हारे टैक्स के बाद है। अब इसके ऊपर तुम अपना यार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वगैरह लगा सकते हो। यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो 75,000 सब्सक्राइबर्स करने यार फर्स्ट जान 2022 से पहले, तो तुम करोगे कैसे, लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जल्दी से हो जाएंगे, काफ़ी क्लोज है यार तो कर ही लेंगे हम लोग, हमें पता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए।